जो चीज़ मेरे साथ हुई है, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। और जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तो मैं बहुत ही टेंशन में आ गई थी, बहुत तकलीफ़ में आ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, ये चीज़ कैसे हल होगी, कोई समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, टेंशन में आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम के सपनों की दुनिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे आगे। तो मेरे साथ प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें, एंड तक बने रहें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, मेरा आज का वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और ये वीडियो खासकर जिनके YouTube पे चैनल है उनके लिए हैं, और जिनके नए नए चैनल हैं, जिनको इतना पता नहीं रहता, उतनी नॉलेज नहीं होती है तो क्या करना है हमें, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो में मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। कि ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, मैं इसको फेस कर चुकी हूँ ये प्रॉब्लम को। तो वो प्रॉब्लम फेस करने के बाद ये चीज़ मैं बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। जैसे कि आप सबको पता है क्या YouTube का क्या रूल है, क्या फॉर्मेट है, 1000 सब्सक्राइबर हमको पूरे करने होते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम हमको पूरा करना होता है, तभी जाके हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। उसके बाद ही हमको YouTube अपना पार्टनर बना देता है, और उसके बाद हमारे चैनल पे एडवर्टाइज आना शुरू हो जाती है, यानी कि मोनेटाइज हमारा चैनल हो जाता है। तो मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह से 1000 सब्सक्राइबर और पूरे 4000 घंटे का वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो इतनी मेहनत के बाद ये चीज़ हुई थी। तो उसके बाद मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई की थी, तो मेरे वैसे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे मेरे, लेकिन जो लाइन है 1000 की लाइन है, लेकिन मेरे 4000 घंटे बाकी थे, तो इस वजह से मेरा थोड़ा पीछे रह गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद 4500 घंटे मेरे हो चुके थे, उसके बाद मैंने अप्लाई किया। तो आप देखिए, 2000 सब्सक्राइबर और 4500 घंटे का वॉच टाइम हो चुका था मेरा। तो उसके बाद मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया। तो जब मैंने ये चीज़ अप्लाई की तो मुझे 2 दिन के बाद रिप्लाई आया, वहाँ से यूट्यूब से मेल आया मुझे कि आपका चैनल हम मोनेटाइज नहीं कर सकते। मुझे रिजेक्टेड का ईमेल आया कि मेरा ऐसा बता रहा था कि मेरा चैनल पे रीयूज़ कंटेंट। तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि ऐसा कैसा रीयूज़ हो सकता है, और मैंने इतनी मेहनत की हूँ, दिन रात एक की हूँ ये चैनल के लिए, इतनी मेहनत और इतना अपना घर संभाल कर और अपने बच्चों को संभाल कर, अपनी जिम्मेदारियों को निभा के, उसके बाद ये जब काम करती हूँ, ये चैनल पे आती हूँ, ये काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम होता है। तो इतना हर चीज़ मैं मैनेज करके मैं दिन रात एक करी हूँ मेरे चैनल के लिए। तो उसके बाद आता है कि रिजेक्टेड, तो कैसा फील होता है। मैं तो इतना टेंशन में आ गई थी, जैसे कि मानो पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। सच में जब ये वाकया हुआ ना तो ऐसे ही हुआ, मैं बहुत ही टेंशन में आ गई थी और मैं बहुत रोना चालू की थी, मैं बहुत रोने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि कुछ नहीं, टेंशन मत लो, आप बात करो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूँ इस बारे में, क्योंकि अगर मैं फैमिली से बात करती तो ये नॉलेज किसी को नहीं है ना, मीन्स इतना जो यूट्यूबर के बारे में, यूट्यूब लाइन के बारे में, तो कौन मुझे इंफॉर्मेशन देगा इसके बारे में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और फिर मैं जिनको जानती हूँ तो 3-4 जन से मैंने रابطہ भी की, इस बारे में बात की, तो वो लोग भी मुझे बताए, उन्होंने सजेशन दिए ऐसा करो वैसा करो। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा था कि हर कोई अलग अलग चीज़ बता रहे थे, रीयूज़ का कंटेंट मीन्स सब अलग 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 मतलब बता रहे थे, मुझे एक जैसी नॉलेज हर किसी ने नहीं दिया, सबकी अलग अलग राय थी, सबके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन थे। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब से मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट की, यूट्यूब से मैंने नॉलेज लेने की
स्टार्ट की वीडियोस थे सब टेक्निकल वाले, तो वो सब देखी तो भी मुझे इतना क्लियर नहीं हो रहा था मुझे मेरा क्या चीज़ है रीयूज़ मेरा, मेरे को तो भी मैं टेंशन में ही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी थी। और सब लोग ने ना यही कहा था कि रीयूज़ का मतलब है आपने अपने चैनल पे किसी और की वीडियो, किसी और का कंटेंट आपने अपलोड किया है। तो मैं ये सुनकर ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है और मैंने ऐसा काम ही नहीं किया, मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड की हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है हर किसी को पता है कि हम क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं, हम क्या चीज़ कहाँ से ले रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, हमने किधर से क्या लिया है, हर एक इंसान को पता है कि हम हमारा काम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो मैं एकदम क्लियर थी कि मैंने ना ही किसी का कंटेंट लिया है, मैं तो अपना ही कंटेंट खुद बनाती हूँ और अपनी वीडियो खुद क्रिएट करती हूँ, मैंने ना ही किसी का कुछ भी लिया है, मैं खुद मेहनत की हूँ, दिन रात एक मेहनत करी हूँ, मैंने वीडियोज़ बनाती हूँ, दिन रात एक करती हूँ, और ना मैंने किसी का रेडीमेड मटेरियल, किसी का रेडीमेड कंटेंट नहीं लिया है, मैंने खुद हर एक चीज़ जोड़ के अपना कंटेंट क्रिएट किया है। तो इस बारे में मैं 100% श्योर थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा मुझसे कि आपके चैनल पे आप देखिए, एक बार सर्च कीजिए और आपके चैनल पे आप देखना कि किसी का कंटेंट रहेगा, रीयूज़ कंटेंट उसको ही बोला जाता है, आपने किसी और की वीडियो अपने वीडियो पे अपलोड की होगी या आप किसी की वीडियो का पार्ट आप अपने वीडियो पे अपलोड किए होंगे, या किसी के वीडियोस का टाइटल, थंबनेल या डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन किया होगा सेम टू सेम एज अ कॉपी करके आपने अपने वीडियो पे लगा दिए रहेंगे। तो मैं इस बात पे भी श्योर थी, ना ही मैंने कभी किसी का थंबनेल लिया है, मैं खुद अपना करती हूँ क्योंकि मेरा कंटेंट ही अलग है ना, तो मैं खुद अपना क्रिएट करती हूँ, मैंने कभी कोई चीज़ रेडीमेड नहीं उठाई है, मैं मेहनत करती हूँ लेकिन अपना ही बनाती हूँ, भले जैसा भी हो लेकिन मैं अपना ही क्रिएट करती हूँ। तो वो भी मैं श्योर थी कि नहीं, और फिर मुझे क्लिक हुआ कि शायद मैं ऐसे मैं बीच में जुमा मुबारक, ईद मुबारक, ईद की वीडियो, रमज़ान मुबारक, ये सारी जो जो इवेंट्स आते थे तो मैं जो जो फेस्टिवल्स आते थे तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो डालना शुरू की थी, मैंने 1-1 मिनट की मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती थी, मैंने वो भी शुरू की थी। तो मुझे क्लिक हुआ कि शायद अगर उस पर तो नहीं आया, क्यों मुझे ये चीज़ ध्यान में आई, क्योंकि देखिए अभी हम जो जब जुमा मुबारक बनाते हैं वीडियोस हम बनाते हैं तो पैसे गूगल पे से हम पिक्चर्स लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर हमारी वीडियोस पे हम ऐड करते हैं और अलग अलग हम अपना ही खुद क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है कि देखो अभी मक्का की वीडियो तो हम मक्का की पिक्चर मस्जिद की पिक्चर, मक्का काबा, तो ये सब हम जो पिक्चर्स होती हैं वो ही लेते हैं ना। तो मतलब क्या होता है कि सब सेम हर कोई जब जुमा मुबारक बना रहा है तो हर किसी की वीडियो में ये पिक्चर्स तो होती है, मक्का काबा मस्जिदें होती है ना, तो ये सारी पिक्चर सेम ही होती है ना, तो वो सब चीज़ तो अलग नहीं होती, सब तो वही सेम रिपीट होता है क्योंकि वो चीज़ तो सेम ही होगी ना, जाहिर सी बातें अलग कैसे होगी, डिफरेंस कैसे होगा, तो हम कुछ उसमें अलग से कर सकते हैं बट चीज़ें तो पिक्चर तो वही होगा। तो मुझे ये बात क्लिक हुई कि शायद उस पर तो नहीं आया, तो वो मैं सोची कि शायद उस पर आ सकता है क्योंकि बाकी का तो ऐसे मैंने कभी किसी का लिया नहीं ना, तो वही मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो एक फिर बाद में मेरे जो जानने वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, मेरे फैमिली हैं यूट्यूबर्स, तो उन्होंने उनका नाम है, वो भाई ने मुझसे कहा, वो उनका नाम है आमिर भाई, माशाल्लाह से उन्होंने मुझे हेल्प की और उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने उनसे भी मैंने पूछी तो उन्होंने कहा मुझे भी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, डीपली इतनी नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक का नंबर दिए, बोले आप उनसे बात कर लो, टेक्निकल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनका चैनल भी है। तो मैंने जब उनसे बात की, वो आमिर भाई से मैंने बात की, तो उन्होंने उनका नंबर दिए, तो मैंने जब उनसे बात की, वो भाई से बात की, तो तब मुझे समझ में आया, तब सब हर कोई ना अलग 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 चीज़ें बता रहे थे, बट जब वो जो दूसरे भाई थे
तो उनका नाम नहीं पता मुझे, तो उनसे मैंने ना रابطہ की, तो उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है आपका रीयूज कंटेंट का मतलब होता है कि आप किसी और की वीडियोस अपनी वीडियोस पे लगाते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है, है ना। तो रीयूज कंटेंट का मतलब होता है आपकी खुद की ही वीडियो, मतलब हमारी मेरी खुद की वीडियो मैंने डबल अपने चैनल पे अपलोड की हूँ, तो ये भी चीज़ रीयूज कंटेंट में आती है। तो उन्होंने ये कहा, तो मुझे क्लिक हुआ, अल्लाह मेरे मतलब चैनल पे तो रीयूज कंटेंट है फिर, क्योंकि मेरी खुद की वीडियो मैंने, तीन वीडियोस थी मेरी खुद की, तीन वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे अपलोड की हूँ, मतलब तीन सेम, एक पूरन पोली की थी वीडियो, पूरन पोली की थी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो थी वो, आई थिंक वन मिनट से भी कम होगी शायद वो एक चीज़ थी, और नेक्स्ट गोश्त के सालन की कुकर में मैंने बनाई थी वो सेकेंड वीडियो, और थर्ड वीडियो थी शायरी थी एक, मैंने ज़िंदगी पे शायरी मैंने खुद लिखी थी, एक शायरी थी। तो तीन वीडियो ऐसी थी, दो बार मेरे ही चैनल पे मैंने खुद अपलोड की थी, और वो मेरी ही बनाई हुई वीडियो थी, मतलब मेरी अपनी वीडियो मैंने दो बार अपलोड की थी, मतलब छः बार हो गई ना टोटल, तीन और तीन। क्या सीन हुआ, मतलब तीन जो शॉर्ट्स वीडियो थी ना वो सारी ना एक एक मिनट के कम की वीडियो थी, तो लेकिन क्या हुआ मुझे ना वो शॉर्ट्स में अपलोड करनी थी, लेकिन शॉर्ट्स में अपलोड ना होके वो है ना चैनल पे अपलोड हुई थी, तो फिर से मैंने डबल अपलोड की ना, तो इस वजह से वो फिर बाद में शॉर्ट्स में चली गई और एक चैनल पे रही और एक शॉर्ट्स में रही, तो ऐसे तीन बार हो चुका मेरे साथ। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, कि ये चीज़ की नॉलेज नहीं थी, कि इतना भी मुझे नहीं पता था ना कि ऐसे नहीं कर सकते हैं, डबल वीडियो नहीं हमारे चैनल पे अपलोड हो सकती है ना, भी रीयूज़ कहा जाता है। और बाकी सब तो अलग अलग बता रहे थे, मतलब ऐसे भी होता है, ऐसे नहीं कि वो सब गलत थे, उन्होंने भी सही कहा था, लेकिन ये चीज़ जहन में मेरे ये भाई ने लेकर आए, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, और जज़ाक अल्लाह मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये टाइम पे सपोर्ट किए, मुझे मेरी मुश्किल से बाहर निकाले, तो अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, और उन्होंने ऐसे टाइम पे मेरा साथ निकलूँ, और अल्लाह का शुक्र है ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। और सबसे पहली गलती मैंने क्या की थी पता है, रीयूज़ कंटेंट ऐसे आया ना, तो किसी ने कहा कि आपने किसी का पार्ट लिया है, वो भी अपने वीडियो में डाला है, तो उसको भी ये होता है, तो मैंने क्या की थी पता है, मैंने जो गलती की ना, तो आप लोगों मिस्टेक कभी मत करो। मैंने क्या की थी, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं डर के, मतलब बहुत डर गई थी कि इतनी मेहनत के बाद इतना चैनल ग्रो हो रहा है और अभी ऐसा हो रहा है, तो बहुत मतलब टेंशन था ना, तो मैं फटाफट ना जो मेरे जो जुमा मुबारक की वीडियोस थी ना, तो मैंने एक एक करना ना डिलीट कर दी। तो लेकिन वो रीयूज़ नहीं था, मतलब किसी का चुराया हुआ नहीं था, किसी की वीडियो नहीं थी, वो मेरी खुद की थी, लेकिन टेंशन से मैंने वो सारी वीडियोस डिलीट की। तो काफ़ी सारी, मतलब सारी तो नहीं, काफ़ी सारी वीडियो मैंने ना, कुछ 7 वीडियो मैंने डिलीट की हूँ मेरे चैनल पे से, तो ये चीज़ मैंने की हूँ, तो ये चीज़ आप लोग ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, बहुत ही ये चीज़ मैं अभी सीखी हूँ ना, क्या चीज़ सीखी हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ ना आप लोग ज़रूर फॉलो करें। हमारा चैनल किस पे है, तो और हमारा चैनल क्या चीज़ का है, तो उसको हमको सिलेक्ट करना है। मैंने ना ये चीज़ भी मेरी सिलेक्ट नहीं हुई थी कि हमारा चैनल कौन सी चीज़ पे बना हुआ है, तो कुछ था ही नहीं क्लिक। जो हम लोग की जो यूट्यूब की सेटिंग है ना, हर सेटिंग जो न्यू यूट्यूबर होते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं होता, कुछ नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता। हम मतलब हम देखो किसी से भी इंस्पायर होके ही हम हमारा चैनल खोलते हैं ना, कि वो माशाल्लाह इतना ग्रो कर रहे हैं, तो चलो हम भी करते हैं, हमारे पास भी वो चीज़ की नॉलेज है, तो क्यों ना हम भी स्टार्ट करें। हम भी घर बैठे YouTube माशाल्लाह से YouTube हमें घर बैठे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है ना। हमको किधर बाहर जाके काम नहीं करना है, हमको घर में ही काम करना है, और घर में हमको टाइम देना है, और मीन्स कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 9 to 5 9 to 6 कोई भी ड्यूटी फिक्स नहीं है। हमको हमारा टाइम, हम बोलते हैं ना, हमारे खुद के हम खुद बॉस हैं। तो लेकिन इतनी शर्त है कि हमको रेगुलर काम करना है, अपडेट करते रहना है, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहना है, तो उतना हमको मेंटेन करके रखना है। बस हमें हमारा काम करना है, भले हम कौन से भी टाइम करो, ये हमारा काम हमारा बस होना चाहिए, तो इतनी शर्त है और कुछ नहीं। हमारा
टाइम फिक्स नहीं है, हम कभी भी काम कर सकते हैं। तो माशाल्लाह यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, हमको बाहर निकलना नहीं पड़ रहा, ना ही किसी को पैसे देना है, हमको घर बैठे हमारे फैमिली को हमको देखते हुए, घर का काम करते हुए हमको हमारा काम करना है। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं यूट्यूब का भी बहुत दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी। माशाल्लाह कितने लोगों को यूट्यूब ने रोज़गार दिया है, जो जिसको काम नहीं है यूट्यूब ने उसको काम दिया है। और ऐसे नहीं कि काम दिया है सिर्फ, कितना तरक्की सब लोग कर रहे हैं, आज लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो बहुत बहुत दिल से यूट्यूब वालों का, यूट्यूब की टीम का मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी। कितना आगे तक ये जा रहा है और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और ये दिल से ये दुआएं हैं यूट्यूब के लिए, उनके टीम के लिए, कि ऐसी सक्सेस मिलती रहे, इंशाल्लाह लोग आते रहें, जुड़ते रहें। और मैं कहना चाह रही थी कि हमारा है ना, जो हमारा चैनल है, तो हमको जो चैनल अभी रेसिपी का चैनल है, कुकिंग का चैनल है, तो हमको है ना उस पर ही काम करना है ना, हमको वो चीज़ पे ही फोकस करना है। क्योंकि देखो ये चीज़ ना मैंने फेस कर चुकी हूँ, हमको दूसरा, हम 10 चीज़ों पे पैर नहीं रख सकते, ये भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे नहीं होता। हमको एक ही चीज़ पे, हमारा चैनल कौन सा है, हमको पहले वो फोकस करना है, फिर चैनल जो चीज़ पे है उस पे ही हमको वीडियो अपलोड करनी है, वो चीज़ ही बनाना चाहिए। जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि हमको ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी नहीं, वो भी ऐसे नहीं करना है। हमको मतलब जो हमारा चैनल है उस पर ही फोकस करना है। अभी व्लॉग है तो आप व्लॉगिंग करो, है ना। और मतलब इसके लिए देखो मैंने ना, आप देखे रहेंगे, स्टार्टिंग में मैं सारी वीडियोज़ बनाती थी, तो अभी ना मैंने सब बंद कर दी, मैं सिर्फ व्लॉगिंग कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है। मैं पहले जुमा मुबारक की भी सब बनाती थी, एक मतलब कुछ भी ऐसे दिखाती थी, हर चीज़ की मैं रिंगटोन डालती थी, म्यूज़िक डालती थी, बैकग्राउंड डालती थी, बट मैंने अभी ये सारी चीज़ें बंद कर दी है। क्योंकि अभी हर चीज़ जो जुमा मुबारक बनाती है, सब म्यूज़िक जिसका कैटेगरी म्यूज़िक में आता है, वो सब चीज़ें बनाए ना, वो सब सारी चीज़ें बनाएंगे, तो हमारा वो काम नहीं है। जो जिसका काम है ना, जो जिसका फील्ड है ना, हमको वही फील्ड को पकड़ के आगे तक जाना है। और इंशाल्लाह जो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम अगर जो चीज़ को फील्ड, हमारा जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वो फील्ड में ही हम लगे रहे ना, वीडियो अपलोड करते रहे ना, इंशाल्लाह हम ज़रूर तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा मेरा समझना है, मानना है। और पता नहीं आप लोग ये चीज़ को कैसे देखेंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, और ये मैसेज आपको कैसा लगा, मेरी बातें आपको सही लगी, गलत लगी, मुझे प्लीज़ बताएं। देखिए मैंने ये किसी का सुन के नहीं बता रही हूँ, मैं ना ये चीज़ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मेरा ऐसे मानना है। बहुत सारे लोग हैं हर चीज़ पूरा ऑल राउंडर रहते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं, बट मुझे नहीं सही लगता। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो थीम है, जो चीज़ है, उसको थीम को लेके ही आगे जाना है, तो इंशाल्लाह हमको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आई होप सो आप लोगों का जो मेरा मैसेज है समझ में आया होगा, आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपने जो फील्ड है उस पर ही काम करते रहे, उस पर ही वीडियोस बनाए, वीडियोस अपलोड करते रहे, आप लोगों का जो थीम है उसको पकड़ के ही आप लोग आगे बढ़ते रहे। एक चीज़ को पकड़े ना ही 10 चीज़ को पकड़े, सारी चीज़ें छोड़ दे, एक चीज़ को पकड़ के ही आगे बढ़ते रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह अल्लाह करे मुझे भी सक्सेस दे। और जो डबल वीडियो थी, 3 वीडियो मेरे चैनल पे, तो मैंने तीनों वीडियो को डिलीट कर दी, और उसके बाद मैंने फिर से 1 महीने के बाद मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 अप्रैल को मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई की थी, 19 अप्रैल को ईमेल आया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और यूट्यूब ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया है। और यकीन मानिए मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का टाइम था, बहुत मैं खुश थी कि मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया। और मैं ना ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि जो न्यू यूट्यूबर है उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उन भाई बहनों के लिए है, तो ताकि मेरी ये वीडियो से उनको कुछ सीखे, कुछ समझे, तो ये पर्पज़ बनाने का मतलब वही है, तो ताकि उनको ये नॉलेज मिले जो मेरे साथ हुआ उनके साथ ना हो। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।